आप मेरे पीछे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना का पाथ देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में ये कैसे आगे बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये बंगाल की खाड़ी में जो बना हुआ था पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में, अब नॉर्थ वेस्ट बंगाल की खाड़ी तक ये पहुंच रहा है और 24 तारीख आज में मध्य रात्रि और कल सुबह में ये पूरी और सागर द्वीप के बीच में भीतरकनिका और धमर पोर्ट के पास में ये इसका लैंडफॉल होने की संभावना है एज ए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और उस समय इसकी हवा की गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे, गस्टिंग टू 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रहने की संभावना है। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि इसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्ट होता हुआ फिर वेस्ट की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। और बात करते हैं कि ये सिस्टम का झारखंड पे क्या असर रहेगा, क्या वार्निंग है झारखंड के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि आप पीछे मेरे देख रहे हैं कि झारखंड का मानचित्र है जहां पे वार्निंग के इमेजेस लगे हुए हैं। तो अगर भारी बारिश की बात की जाए तो जो 24 तारीख है आज में, तो ये जो भारी बारिश आप नीचे वाले इमेज में देख रहे हैं कि येलो से मार्क है आपका हेवी रेनफॉल वाला एरिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोल्हान के साथ में सटा हुआ जो खूटी, रांची, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा की इलाका है वहां पे कुछ जगह पे भारी बारिश की आज संभावना जताई जा रही है। कल की बात करें तो कल में भारी से बहुत भारी बारिश कोल्हान में, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में भारी से बहुत भारी बारिश, और शेष मध्य भाग में और देख रहे हैं आपकी कुछ थोड़े से जो उत्तर पूर्व के भाग है वहां पे आपका येलो अलर्ट है हेवी वार्निंग का, जिसमें आप देख रहे हैं कि सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रांची, खूंटी, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह, देवघर, धनबाद और जामताड़ा है वहां पे आपको भारी बारिश की संभावना कल में बनी रहेगी। और परसों की बात करें कि परसों ये सिस्टम कमजोर हो जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो जो दक्षिण पश्चिम झारखंड के इलाके हैं जिसमें सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला है वहां पे एक आध जगह पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। शेष इलाकों में बादल छाएंगे और कुछ हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। अब हवा की वार्निंग, विंड की वार्निंग, पवन की वार्निंग की बात करें तो आज शाम से लेके 26 तारीख सुबह तक में आप देखेंगे कि जो कोल्हान के इलाका है वहां हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे, गस्टिंग टू 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखने को मिल सकती है। और रांची समेत जो मध्य के इलाके हैं वहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे, गस्टिंग टू 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से देखने को मिल सकती है। तो ये 26 के सुबह के बाद से स्थिति थोड़ी सी सुधरेगी और जो मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में कुछ हल्की बारिश आपको 26 में देखने को मिल सकती है और 27 से स्थिति काफी ठीक हो जाएगी और 28 से पूरा आपको साफ आसमान, खुला आसमान और शुष्क मौसम देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये है कि झारखंड वासियों को और खासकर जो कोल्हान और दक्षिणी झारखंड के लोग हैं थोड़ा सा सतर्कता बरते, जो मिट्टी वाले घर हैं, टीन वाले घर हैं, वहां पे हवा के साथ में बारिश से कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ निचले इलाकों में कुछ जल जमाव हो सकता है और जो कम्युनिकेशन के लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन है, कुछ डिस्ट्रप्शन उनका हो सकता है, सूखे पुराने पेड़ भी कुछ हल्के गिर सकते हैं। तो इन सब को देखते हुए आप थोड़ी सी सावधानी बरतें और आज में थोड़ा सा गर्जन उत्पात की भी स्थिति रहेगी 24 तारीख देर शाम रात में, तो उसको भी लेके आप थोड़ी सी सावधानी बरतें। और जैसे ही ये सिस्टम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा और कमजोर हो जाएगा लैंडफॉल के बाद में, तो फिर 27 तारीख की स्थिति काफी सुधर जाएगी और 28 से तो पूरा ही मौसम एकदम शुष्क और साफ देखने को मिलेगा। धन्यवाद।